ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेवरेजेस चैप्टर सिक्स ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेवरेज, लिवरेज रिप्रेजेंट रिस्क। रिस्क कितने टाइप की होती है? तीन। कौन सी? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। तो ऑपरेटिंग रिस्क मतलब बिजनेसमैन को रिस्क ये फील होगा कि फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज मतलब कौन सी रिस्क? इंटरेस्ट वो दे पाएगा या नहीं, या प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाएगा या नहीं, फाइनेंस जिनसे लिया है उनको मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं, इसके लिए इसके फॉर्मूलेज बनाए। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है फॉर्मूला? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स बाय परसेंटेज चेंज इन। चैप्टर खत्म हो गया लेकिन फॉर्मूला हम सीखे नहीं। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन, और एक फॉर्मूला है, वन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी बाय ईबीटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, और ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स रेट। वन माइनस टैक्स रेट किसको डिवाइडेड बाय? और ये फॉर्मूला कब यूज करना? जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड के रिलेटेड डेटा हो तभी, एंड तभी ये डेटा यूज करना, बाकी टाइम पे यूज नहीं करना। ओके, कंबाइंड लिवरेज, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कंबाइंड लेवरेज मिल जाएगा। तो बेसिकली हर एक के तीन 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 फॉर्मूलेज है। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आया या 1.5 आया, इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 आया, इसका मतलब बाप रे बाप, अगर मैं 1% सेल चेंज करता हूं तो 1.5% ईबीआईटी चेंज होता है। अगर मेरा 2 आता है फाइनेंशियल लेवरेज, इसका मतलब होता है कि 1% अगर मैं ईबीआईटी चेंज करता हूं तो 2% ईपीएस चेंज होता है या टैक्सेबल इनकम चेंज होती है। कंबाइंड लेवरेज 3 है, इसका मतलब अगर मैं 1% सेल चेंज करता हूं तो 3% ईपीएस या टैक्सेबल इनकम चेंज होती है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछ भी चुका है, और अभी अभी अपन करे भी और तुम भूल भी गए भी, ठीक है? तो ये इंटरप्रिटेशन से याद रखना, मैं जो स्टार्टिंग से ओफू ओफू बोलता हूँ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर उसको क्वेश्चन में के फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर तुमको ओएल एफएल डीएल यही निकालना आता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे करे जहां पे तुमको सिर्फ फिक्स कॉस्ट या सिर्फ इंटरेस्ट पता है, ओएल एफएल पता है, तो तुमको बाकी चीजें ढूंढनी रहती है। तो ऐसे टाइप के फॉर्मूले को तुमको थोड़ा सा चेंज करना है, दो अननोन से एक अननोन में कन्वर्ट करना है। तो अगर फाइनेंशियल लिवरेज दिया है तो फॉर्मूला क्या करेंगे? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज को क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय, तुम्हारा था ईबीआईटी, तो उसको क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। इस फॉर्मेट में अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो तुम्हारा एक ही अननोन रहेगा, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग लिवरेज दिया रहता है तो तुम उसको एक्स पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर तुमको मिसिंग डेटा होता है, तो उस टाइप में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में गिवन डेटा डालो और फिर देखो कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जनरली बैकवर्ड मूवमेंट बहुत बार करना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर स्टेटमेंट बोलो तो क्या आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट ईबीआईटी, माइनस यू विल गेट माइनस यू विल गेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यू विल गेट ईएई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यू विल गेट ईपीएस। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखो, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जहां तक तुमको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वहां तक बनाए तो भी ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर
ऐसे क्वेश्चंस करते गए। फिर अगर कौन से क्वेश्चन में एफएल दिया वाला है, ओएल दिया वाला है, तो ट्राई करो कि ये इंफॉर्मेशन डिकोड करने की, कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन में ये डेटा दिया क्यों। तो उस क्वेश्चन से रिवर्स री इंजीनियरिंग करो और देखो कि कौन सा मिसिंग डेटा या हिडन एडजस्टमेंट मिलती है क्या। तो एक ऐसा क्वेश्चन नंबर अपन ने करे जहां पे ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल लिवरेज दिया था और कुछ मिसिंग डेटा तुमको निकालना था, वो तुमको मिल गया। बहुत बार उनको क्वेश्चन में असेट टर्नओवर रेशियो को कंपेयर करने को बोला है। असेट टर्नओवर रेशियो मतलब फिक्स असेट्स बाय योर सेल्स या टोटल असेट्स बाय, सॉरी, सेल्स बाय टोटल असेट या सेल्स बाय फिक्स असेट्स। अगर असेट टर्नओवर रेशियो 1.5, इसका मतलब होता है कि 100 रुपए के असेट मिलके 150 रुपए का सेल जनरेट कर पा रहे। जितना ज्यादा फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो या असेट टर्नओवर रेशियो, उतना ज्यादा हमारा परफॉर्मेंस अच्छी बात रहेगी। तो इंडस्ट्री से कंपेयर करने को बहुत बार बोला है, तो कंपेयर करो। अगर तुमको परसेंटेज चेंज इन सेल्स या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दिया है, दूसरा ढूंढने को बोला है, तो प्लीज दूसरा कॉलम बना के ये नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे भले करेक्ट आंसर हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग परसेंटेज चेंज इन सेल्स बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ऐसे कुछ जो भी फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज को यूज करके वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम दो कॉलम करके निकालेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मत भूलना कि ये चैप्टर कंपलसरीली 10 मार्क को हर एग्जाम में पूछा गया है, तो इट इज अ बोनस, क्योंकि इससे सिंपल चैप्टर नॉट पॉसिबल। गिने चुने 3 ही फॉर्मूलेज है जो घूम फिर के बहुत बार पूछे जाते हैं और लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उतना कंफर्म करो 10 मार्क एग्जाम में पक्के। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।